नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का एक बेहद खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप बच्चों के किसी प्रोजेक्ट में या किसी लेडीज प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे बनाने के लिए हमें 6 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 2 फंदा एक्स्ट्रा। ऐसे हम 6-6 फंदे गिने तो लास्ट में 2 फंदा बचना चाहिए, तो डिज़ाइन अच्छी तरह सेट हो जाएगा। तो मैंने इसमें 20 फंदे डाले हैं। डिज़ाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो और डिज़ाइन अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो मैंने सिलाई में 20 फंदे डाले हैं। अब ये डिजाइन का पहला लाइन है। इसमें हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। यदि आपको अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो आप इस लाइन में फंदे बढ़ा सकते हैं। पहली लाइन में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। डिज़ाइन बहुत ही आसान है और बेहद खूबसूरत। बिगनर्स भी इस डिज़ाइन को आसानी से बना लेंगे। पहली लाइन में हमने सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है और रॉन्ग साइड। तो रॉन्ग साइड में हम सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। पहली लाइन में सभी फंदे उल्टे और दूसरी लाइन में सभी फंदे सीधे। अब ये डिज़ाइन का तीसरा लाइन है और सामने से। तो हम 2 फंदों को स्लिप करेंगे। अब हम अपने दूसरे कलर के ऊन से 4 फंदा सीधा बुनेंगे। 1, 2, 3 और 4। तो इन्हीं 6 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। 2 फंदा स्लिप करना है और 4 फंदा सीधा बुनना है। 2 फंदा स्लिप करना है, 4 फंदा सीधा बुनना है। अब फिर हमें लास्ट में 2 फंदा बचेगा, तो इसे हमें स्लिप करना है। तो हम यहीं से टर्न कर ले रहे हैं। अब बुने हुए फंदों को उल्टा बुनना है। ये हमारा चौथा लाइन है और रॉन्ग साइड। बुने हुए फंदों को उल्टा बुनना है, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेना है। बुने हुए 4 फंदे, इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे और ये 2 फंदे जो स्लिप किए गए थे इन्हें वापस स्लिप कर लेंगे। बुने हुए 4 फंदे उल्टे। अब इन 2 फंदों को हमें स्लिप करना है, तो हम यहीं से टर्न कर जाएंगे। अब वापस हमें इन 4 फंदों को सीधा बुनना है। ये हमारा 5वां लाइन है और सामने से। तो अपने दूसरे कलर के ऊन से ही इन 4 फंदों को हम सीधा बुन लेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे। फिर ये 4 फंदे हैं दूसरे कलर वाले, इन्हें वापस हम सीधा बुन लेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे। 4 फंदा सीधा और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है, तो हम यहीं से टर्न कर लेंगे और फिर पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, इन 3 फंदों को उल्टा बुनेंगे। फिर 2 फंदा इन्हें स्लिप कर लेंगे और इन 4 फंदों को उल्टा बुनेंगे। 2 फंदे स्लिप कर लेंगे, फिर इन 4 फंदों को उल्टा बुनेंगे।
इन दो फंदों को स्लिप कर लेंगे। तो हमने 6 लाइन कंप्लीट कर ली। अब ये हमारा 7वां लाइन है और सामने से, तो 7वें लाइन में हम अपने पहले कलर से सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे, सभी फंदों को हमें उल्टा बुन लेना है। अपने प्राइमरी कलर के ऊन से 7वीं लाइन में हमें सभी फंदों को उल्टा बुन लेना है। तो हमने 7वीं लाइन में सभी फंदों को उल्टा बुन लिया। अब हम रॉन्ग साइड में हैं और ये हमारे डिजाइन का 8वां लाइन है, तो हम सभी फंदों को सीधा बुन लेंगे। सातवीं लाइन में सभी फंदे उल्टे और 8वीं लाइन में सभी फंदे सीधे। अब ये डिजाइन का 9वां लाइन है और सामने से, तो अपने दूसरे कलर के ऊन से हम 3 फंदा सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3, फिर 2 फंदे को स्लिप करेंगे। तो इन 3 फंदों को छोड़कर अब यहाँ से हमारा पैटर्न शुरू होगा। 2 फंदा हमने स्लिप किया, अब अगले 4 फंदे हमें सीधा बुनना है। अब देखिए, ये 2 फंदे जिसे हमने स्लिप किया था, ये 2 फंदे और इनके एक एक फंदा दोनों साइड से, ये 4 फंदे हमारे सीधे हो गए। फिर हम 2 फंदा स्लिप करेंगे। अब देखिए, ये 2 फंदा 4 फंदों में से दूसरा और तीसरा फंदा है। अब नेक्स्ट, फिर यहां से हमारा पैटर्न शुरू हो जाएगा। 2 फंदा हमने स्लिप कर लिया, तो 4 फंदे हमें सीधा बुनना है। अब फिर यहां से नया डिजाइन शुरू होगा, तो 2 फंदा स्लिप करेंगे। अब लास्ट में 3 ही फंदा बचेगा, तो उसे हम सीधा बुन लेंगे। दसवीं लाइन में बुने हुए फंदे को उल्टा बुनना है। और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेना है। बुने हुए फंदे को उल्टा बुनना है और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेना है। बुना हुआ फंदा उल्टा और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेना है। तो हमने 10वीं लाइन कंप्लीट कर ली। अब ये डिजाइन का 11वां लाइन है और सामने से, तो 11वें लाइन में हम अपने 9वें लाइन को ही दोहराएंगे, यानी दूसरे कलर के ऊन से 3 फंदा सीधा, फिर 2 फंदा स्लिप करना है, फिर 4 फंदा सीधा। तो इन 3 फंदों को छोड़कर यहां से हमारा फिर 6 फंदों का पैटर्न शुरू हो जाएगा। 2 फंदा स्लिप करेंगे, 4 फंदा सीधा बुनेंगे, 2 फंदा स्लिप करेंगे और लास्ट में 3 फंदा बचेगा, उसे हम सीधा बुन लेंगे। और रॉन्ग साइड से बुने हुए फंदे उल्टा बुनेंगे और स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे। स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे, बुना हुआ फंदा उल्टा बुन लेंगे। तो 12 लाइन का ये डिजाइन है और इन्हीं 12 लाइनों को हमें ऊपर ऊपर दोहराना है, जिससे ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाए। इन्हीं 12 लाइनों को दोहराने से ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। डिजाइन
बनाना आसान है और देखिए कितना खूबसूरत डिजाइन है। तो आशा है आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये डिजाइन अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।